अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल एमएटी टीवी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्पैम कमेंट पॉलिसी के बारे में कि अगर आप लोग अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ ऐसे कमेंट्स करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी बड़े क्रिएटर जिनकी यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, उनकी वीडियोज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो छोटे क्रिएटर यानी कि छोटे यूट्यूबर क्या करते हैं कि उनकी यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोज़ के ऊपर जाने के बाद 350 सब्सक्राइबर, थैंक्स फॉर 350 सब्सक्राइबर, थैंक्स फॉर 350 सब्सक्राइबर, या तो इस तरीके के कमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो स्पैम कमेंट्स की पॉलिसी के खिलाफ वर्जी होती है। अगर हम लोग ऐसे कमेंट जो बार बार किसी भी वीडियोस के ऊपर करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या और इसका नुकसान क्या है, तो बढ़ते अपनी वीडियो की जानिब। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। देखें, अगर आप लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं ना, तो हो सकता है, हम लोग पक्की बात नहीं कर सकते, हम लोग मुस्तकिल तौर पर ये बात नहीं कर सकते कि आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐसे कमेंट्स करने से आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग एक पॉलिसी के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं मुसलसल, जिसको हम लोग स्पैम कमेंट्स पॉलिसी कहते हैं। देखिए, अगर आप लोग ऐसे कमेंट्स करने से 3 या 4 सब्सक्राइबर मिल जाते हैं तो ऐसी सूरत में आपको फ़ायदा भी हो जाता है। लेकिन अगर दूसरा रूप देखें तो अगर आप लोग मुसलसल तौर पर ऐसे ही कमेंट जो है वो किसी भी वीडियोज़ के ऊपर करते जाते हैं तो ऐसी सूरत में आप लोग यूट्यूब की नज़र में आ जाते हैं और इसके बाद क्या होता है कि आप लोग ऐसी खिलाफ वर्जी करते हैं, यानी कि स्पैम कमेंट्स पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करते हैं। आप लोगों ने सुन रखा होगा कि मुख्तलिफ किस्म की जो यूट्यूब की पॉलिसी है, ठीक है, अगर हम लोग उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्ट्राइक लगती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग स्पैम कमेंट पॉलिसी की भी खिलाफ वर्जी करते हैं तो आप यूट्यूब की नज़र में आ जाएंगे और कभी ना कभी आपका यूट्यूब चैनल जो है वो इस सूरत में डिलीट कर दिया जाएगा। क्योंकि जब भी आप लोग किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर जाने के बाद या उस यूट्यूब चैनल को चलाने के बाद अगर आप लोग कुछ ऐसे एक्टिविटी करते हैं जो कि यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ होती है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि हम लोगों को पहले या तो स्ट्राइक लगती है या तो हमारा एकदम चैनल जो है वो डिलीट कर दिया जाता है। देखिए, यूट्यूब के ऊपर आने के बाद उसके मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को नियम का पालन करना पड़ता है, यानी कि तमाम पॉलिसियों को मानना पड़ता है। अगर आप लोग तमाम पॉलिसियां नहीं मानते तो जाहिर सी बात है कि आपके यूट्यूब चैनल को डिलीट कर दिया जाएगा या तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ऐसी सूरत में होता क्या है कि हमारे यूट्यूब चैनल का जो एडसेंस होता है उसके ऊपर भी हम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। अक्सर अवकात हमारा यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाता है, हमारा एडसेंस जो है वो बच जाता है, और कभी क्या होता है कि दोनों ही डिलीट हो जाते हैं। तो आप लोगों ने कभी भी ऐसे सब्सक्राइबर के ऊपर जो है यानी कि ऐसी वीडियोस के ऊपर मुसलसल तौर पर कभी भी ऐसे कमेंट्स नहीं करने जिससे आपके यूट्यूब चैनल की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी और आपके यूट्यूब चैनल डिलीट हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।